वाजपेयी जी, एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है, क्या कहना? देखिए, जिस जंग गजरिया फार्म में पेड़ काटने के लिए ये जुर्माना लगाया गया, सरकार सरकार होती है। आज जो दंड दिया गया है वो जरूर उत्तर प्रदेश सरकार पर दिख रहा है, पर ये जो दंड जिस वजह से दिया गया है वो चकगजरिया फार्म में पेड़ काटने की, अखिलेश जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और उन्होंने प्रदूषण या पेड़ काटने से लेकर जो हानि हो रही थी उस पर आंख मीच रखी थी, अपने अधिकारियों को वरदत दे रखा था, नियमों के विपरीत इस तरह के कार्य किए गए थे जिसका दंड एनजीटी ने दिया है और वो दंड आज उत्तर प्रदेश सरकार पर लगा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में काम नहीं हुआ है, अखिलेश जी के। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 5 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है, क्या कहना है कांग्रेस का इसको? देखिए, बराबर पर्यावरण नुकसान हो रहा है और जो सरकारें हैं उनको पर्यावरण के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। जिस तरीके से पूरे विश्व ने ग्लोबल वार्मिंग पर चिंता जताई है और निश्चित रूप से एनजीटी ने इससे पहले भी श्री श्री रविशंकर पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया था, आपको याद होगा जब उन्होंने दिल्ली में यमुना के किनारे कार्यक्रम किया था, और जुर्माना लगाने के बाद भी जो कार्यक्रम जिसको एनजीटी ने अनाधिकृत करार दिया था उसके बाद भी श्री प्रधानमंत्री मोदी जी उस कार्यक्रम में गए थे। तो निश्चित रूप से पर्यावरण को लेकर चिंता करनी चाहिए, सरकारों का और समाज का भी दायित्व है कि पर्यावरण को लेकर जागरूक रहे। चकगजरिया में जो भी पेड़ काटे गए तो निश्चित रूप से जो सरकार है उसने ध्यान नहीं दिया और आज उसकी परिणति है कि एनजीटी ने जुर्माना लगाया है। लेकिन जुर्माना लगाने से पर्यावरण नहीं सुदृढ़ होगा, पर्यावरण को बचाए रखना, बनाए रखना हम सब की आवश्यकता है, क्योंकि प्रदूषण में भी अभी आप देखें कि लखनऊ का जो वो था नंबर वो टॉप 5 में था। तो ये निश्चित रूप से सरकार की पूरी तरीके से जिम्मेदारी कि वो लोगों को जागरूक करे।